वैसदेही अनुभागीय अधिकारी आरएस बघेल, अनुभागीय अधिकारी पुलिस मोतीलाल कुशवाहा, तहसीलदार ओम प्रकाश चोरमा, थाना प्रभारी डीआर बच्चन और पुलिस बल द्वारा बैतूल पारसवाड़ा रूट पर गुदगांव से परिवहन करते हुए रेत के ट्रक, डंफर और कई सामग्री जो परिवहन के लिए उपयोग होती हैं, इस दौरान ट्रकों की जांच की गई। जांच के दौरान 6 ट्रक में परिवहन प्रपत्र में अधिक रेत भरी होने की आशंका थी, जिसके चलते ही खनिज विभाग को बुलाकर जांच कराई गई। तो खनिज निरीक्षक बैतूल पिंकी चौहान और खनिज विभाग के दल द्वारा जांच कर रेत को अधिक मात्रा में पाया गया, जिसके चलते ही कार्रवाई की गई है। वहीं गेहूं के 3 ट्रकों को भी इस बार जांच के दायरे में लिया गया, जिसमें मंडी निरीक्षक श्रीराम घोटे को उचित कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। इस तरह भैंसदेही से कुकरू की ओर जाने वाले मार्ग पर डंफर जो बिना परिवहन प्रपत्र के चल रहे थे, उन पर सख्त कार्रवाई की गई है और उन्हें जब्त भी किया गया है। साथ ही आगामी कार्रवाई के लिए अनेक विभाग को संप्रेषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र से जो माल आता है हमारे यहाँ, और महाराष्ट्र जो भी चीज़ हमारे यहाँ से जाती है वो नियम अनुसार जा रही है नहीं जा रही है, इस संबंध में हमारे द्वारा एक समन्वित कार्रवाई की गई, जिसमें रेत के डंफर और अन्य जो भी ट्रक या गाड़ियाँ जा रही हैं उनको चेक किया गया और उसमें जो भी अनियमित पाया गया उनको जब्त किया गया और जब्त करके जो विभाग जिस जो संबंधित विभाग हैं उससे नियम अनुसार कार्रवाई के लिए लिखा गया है। देखिए ऐसा है कि हमारे द्वारा बहुत सारे वाहनों को जांच की गई, लगभग सभी वाहनों को सही पाया गया, मगर 6 डंपर ऐसे पाए गए जो प्रथम दृष्टया हमें ओवरलोड लगे या जिनकी रॉयल्टी में हमें त्रुटि लगी उनको जब्त किया गया, और 3 गेहूं के ट्रक ऐसे पाए गए जो महाराष्ट्र जा रहे थे मगर मध्य प्रदेश मंडी अधिनियम के तहत उनके द्वारा मंडी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, उनको पकड़ के जब्त किया गया और मंडी अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल हमारे द्वारा 12 बजे एक डंफर भैंसदेही में ही पकड़ा गया था जो राता माटी से काली रेत लेकर जा रहा था, उसके में किसी प्रकार की कोई रॉयल्टी नहीं पाई गई है और उसके खिलाफ भी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए एक जो समन्वित राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई थी, जिसमें SDM, SDOP, TI, तहसीलदार और पुलिस बल साथ में था। देखिए ऐसा है कि ये सतत कार्रवाई हमारे द्वारा हमेशा किया जाना चाहिए और हम अब भविष्य में ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अनुभाग के अंतर्गत अवैध गतिविधियाँ हैं उन पर नियंत्रण हो और सही लोगों को अपना रोजगार व्यवसाय करने के उचित अवसर प्राप्त हों।